अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी गोल्डन स्टार स्मार्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ये होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। सो जनाब, आज जो है ना, पहले तो आप पूरी वर्क प्लेस का नज़ारे करें, बहुत ही गंदा नज़ारा है। ठीक है, टेस्ट तो प्रिपेयर हैं, लेकिन अब वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी। और ये मैसी वर्क प्लेस क्यों है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, कुछ लेक्चर्स बना रही हूँ। ठीक है, तो आज मैंने जो है ना मड जो है उस बनानी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपके साथ जो है शेयर करूँगी, बिकॉज मैंने जो है प्रॉपर ट्यूटोरियल पहले दिया हुआ है, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। ठीक है, ये जस्ट आप लोगों के लिए जो है ना इन्जॉयमेंट के लिए होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह अब आज मर्ट वगैरह मैं बना लूँ, उसके बाद जो है ना फिर हम अपना अरेंजमेंट्स और क्लिनिंग वगैरह जो है ना उसकी एपिसोड्स इंशाल्लाह आएंगी, जितनी भी बनेंगी, जितना भी हो सकेगा मैं कवर करूँगी। ठीक है, कोशिश करूँगी कि एक दो तीन ही हों, बस इससे ज़्यादा ना हो, लेकिन काम बहुत सारा। ठीक है, तो मैं 20 या 18 मिनट के इतने लंबे ब्लॉग्स नहीं बना सकती, क्योंकि वो भी बंदा बोर ही हो जाता है देख के। मैं तो हो जाती हूँ एडिट करके, तो ऑब्वियसली आप लोग भी जो है वो देख के हो जाते होंगे। अच्छा जी, अभी जो है ना मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, उसके अलावा वो जो वाइट कंक्रीट वाला टेक्सचर पड़ा उसकी करनी है। जिम चौक जो है वो ड्राई नहीं हुआ, उसके पीछे वाली शेप्स, क्योंकि यहाँ पे धूप ज़रा कम आती है, वो इस टाइम आ रही है, सुबह से नहीं आती। तो अब ये जो है ना इसकी मैं फुली ड्राई करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज कैमरे का रिजल्ट अच्छा आ रहा है वैसे। गाइस, ये वाली वीडियो मैंने जो है ना रिकॉर्ड कर ली, काफ़ी डस्टी टेक्सचर था। ठीक है, तो जी वेलकम बैक। मैं जो है ना वो ग्रीटी सीमेंट की, इसको थोड़ा सा पहले पीछे करूँ, ये तो काफ़ी हैवी हो गया। ग्रीटी सीमेंट की जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करके मैं चले गई थी। ठीक है, अब मैंने जिम चौक की वीडियो रिकॉर्ड की है, जो कि रिक्वेस्ट थी। ठीक है, ओहो, इसके लिए ट्राईपॉड पता नहीं क्या मुसीबत है। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर किया है कार्डबोर्ड के अंदर, पता नहीं स्ट्रक्चर को क्या हुआ था, ये काफ़ी हार्ड हुआ पता था जिम चौक, इसको क्या बीमारी हुई है आई डोंट नो। मैंने हाफ़ ही की है। ठीक है, इनफ हो गई थी वीडियो, क्योंकि मैंने इसके अंदर और भी बना के ऐड किया है। ठीक है, इसकी फॉर्मी वाटर में रिक्वेस्ट थी, तो वो नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं कंप्लीट करूँगी, बिकॉज मेरे पास अभी टाइम फ्री नहीं है। मैंने अभी मर्डर भी जो है ना वो उसको करना है। ठीक है, तो वो भी हम करते हैं, चलिए मेरे साथ। ठीक है, इसको कर देते हैं कवर, ताकि इसके अंदर मट्टी शट्टी ना जाए। यार, इसको कवर करने का तरीका मुझे आता था, भूल गया। चलो, भूला नहीं है इसको इधर, और आप लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा। आज मैंने काफ़ी ऐसे ऊंची होकर वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि काफ़ी ऊंचा था। इसको ऐसे इसके अंदर घुसाना है। चलो जी, ये हो गया हमारा बंद। ट्राईपॉड भी मैंने काफ़ी ऊंचा किया हुआ है। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, ये थोड़ा रहने ही देते हैं, आगे चलते हैं। ये पड़ा हुआ है, सो ये रही मर्ड, मैं लगा लूँ यहाँ पर सारा कुछ सेटअप वेटअप, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा जी गाइस, मैंने जो है ना यहाँ पे सारे रख लिए हैं। वैसे तो ना जंबो साइज़ के ना चार टब दरकार होते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैंने एक बकेट उठा लिया और एक ये छोटा टब, और ये मैं नीचे से लेके आई हूँ, ब्रेकर रखा हुआ, ये मेरा अपना ही है। ठीक है, अब इसको अच्छे से हलाना है। डंडा शंडा मेरे पास है नहीं, पता नहीं किधर चला गया। स्मार्ट में 2 से 3 दिन से ये डिपकी हुई है, अब इसको अच्छे से हला देते हैं। कोशिश यही करें कि अंदर जब आप फ्रेश मार्ट लेके आए ना इस तरह की, तो अंदर हलना ही डालें, कोई इंसेक्ट वगैरह भी हो सकता है, ये मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया। ठीक है, ये ना हो ना बुरा हाथ ही घुसेड़ा हो, बाद में कोई कीड़ा जीड़ा निकला और चीखे मार दे फिर उपले घर में। ठीक है, इसको अच्छे से देखो, इसको मैं हलाऊंगी इस तरह से। ठीक है, अच्छे से ज़्यादा सारा पानी मैंने डाला है। ठीक है, अगर ये एंड पे और भी बैठा हुआ है तो और मैं डाल दूँगी, लेकिन अभी फिलहाल ये फुल हो गया तो मैं और नहीं डालूँगी। ठीक है, ये अभी हाफ मटर लेना, साफ टब ले लेंगे, स्विफ्टर ले लेंगे, एंड बड़ा से डूंगी शूंगी ले लेंगे। चलो, कहाँ दिखाऊंगा आपको, थोड़ा थोड़ा मैं बस प्रीपैड करूँगी, इतना बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि फिर बोर ही ना हो जाओ ना। चलो, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ। ये जो सारा है ना मटेरियल, ये अब मैं इधर डालूंगी। ठीक है, ये कचरा निकालना है पहले, उसके बाद बाकी काम मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो अच्छा जी, अब जो है ना इसके अंदर पानी कम हो गया, क्योंकि इसके नीचे भी बैठा हुआ मड बैठी हुई है। ठीक है, देखिए गाढ़ा गाढ़ा हो गया, तो हमें गाढ़ा नहीं, इसको पतला करना, ताकि कम से ज़्यादा हमारी जो है ना मड का लिक्विड निकल सके। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और पतला करते हैं। पानी बिल्कुल जो है ना हमने निकाल लिया, ये देखो, ये देखो पानी, ये देखो निकाल लिया, बिल्कुल पतला पानी है मट्टी वाला। ठीक है, अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब जो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, ये बिल्कुल पतला पानी हो गया। अच्छा, सैंड निकालने वाला भी प्रोसीजर नहीं करना, वो जब हम इसके अंदर कचरा निकाल लेंगे ना, जो मतलब इसके अंदर पत्थर वगैरह होते हैं और रूट्स वगैरह होती हैं, फिर उसके बाद सैंड वाला प्रोसीजर करेंगे। ठीक है,
स्टार्टिंग में सैंड निकालने के चक्कर में ना रह जाना, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल लगेगा, लंबा हो जाएगा लेकिन आसान लगेगा। चलो अब इसको अच्छा से ये ले, इसको अच्छे से कर लूँगी। अब ये जो है ना, ये सैंड ही है और कचरा लिक्विड बहुत कम है, तो इसको मैं फेंक देती हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं सारा ही करूँगी। अच्छा जी गाइज, मैंने जो है ना ये सारा फिल कर लिया, ठीक है, और जो इसके अंदर से मैंने सारा निकाल के इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। कचरा रहा ये, ठीक है, गंद को इग्नोर करना लोगों ने, ठीक है, ऐसा काम पर गंद डलता है। अच्छा जी, फिर मैंने जो है ना इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, इसके अंदर सैंड ना हो। अब काम आता है मेन, अब हमने करना है प्रोसेस इसकी सैंड को सेपरेट करने का, ठीक है। अच्छे से इसको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हलाना, ज़्यादा नहीं, ये देखो मेरा जरा बाहर ही को निकला टब फुल फुल हो गया। अच्छा, ये इतना इतना हलाना है कि इसका लिक्विड ऊपर आ जाए, क्योंकि पानी पानी आ गया था अभी, ठीक है। इतना हलाना कि ये लिक्विड आए सिर्फ, यानी कि सैंड आ जाए, ठीक है। ये आप लोगों को पता चल ही रहा है, ये देख, ये देख। चलो अब हमने ये जो है ना सारा लिक्विड आराम आराम से इसके साफ टब में डालना है, क्योंकि इसके इस के एंड पर जो है ना वो बैठी है सैंड, उसको हमने सेपरेट करना, वो नहीं हमने टेक्सचर के अंदर ऐड करनी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी समझ आ रही होगी। चलिए, इस तरह से हमने आराम आराम से डालते रहना, ये सारा दोबारा से फिल करना है। अब मैं ये सारा जो है ना जल्दी से डाल देती हूँ। अच्छा जी, मैं ना इसके अंदर से निकाल रही थी, तो मैंने देखा इसके अंदर हाथ डाल के तो बहुत ज़्यादा सैंड, ये देखें लाइक बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो क्या मसला है। अब मैं इसका वेट कर रही हूँ सैंड दोबारा बैठे, क्योंकि मैंने हला दिया था, तो इसको ज़रा टप को मैंने लटकाया ताकि थोड़ा सा रह गया था और सैंड ज़्यादा थी, तो मैं इसके अंदर डालूँगी। और आपका सैंड जो है ना एक दफ़ा में नहीं सारी निकलने वाली, आप चार दफ़ा ही प्रोसीजर करें फिर आपकी सॉफ्ट बनेगी, ठीक है। चार पाँच दफ़ा तो करें, लेकिन मुझे ज़रा चार से पाँच दफ़ा मैंने बना ली तो मुझे ज़रा आइडिया हो गया। मैं बहुत स्लोली स्लोली से जो है ना वो कर लेती हूँ, सैंड ज़रा नीचे बढ़ा देती हूँ, ठीक है। मैं तो नहीं बताती, खुद बैठती है। अच्छा, अब निकालते हैं। और मैंने अभी एक और भी बनानी है, वो भी पड़ी है, और ये बनती भी फिर यार इतनी थोड़ी है। ये सैंड ही सैंड, ये है सैंड, ये एक दफ़ा मैंने निकलेगी, मुझे दोबारा भी करना पड़ेगा। ट्यूटोरियल गोल्डन स्टार स्मार्ट का, ठीक है। तो ये जो है ना मैं जस्ट आपकी इन्जॉयमेंट के लिए बना रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ आपको छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें बताई हैं, ठीक है। अब मैं अपना काम जल्दी से निपटाऊंगी, ठीक है। इसको अगेन इसी तरह से, अब जब ये भर जाएगा ना, ये वाला दोबारा फिल हो जाएगा ना, इसको अच्छे से साफ करके इसके अंदर दोबारा से ये डालूंगी, फिर जो सैंड रहेगी उसको हम सेपरेट कर देंगे। उसका अगर टेक्सचर बनाना हो तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, वो भी किस तरह से बनता है, वो भी मुझे पक्का नहीं पता, कि वो मेरा हार्ड तो नहीं होगा, ठीक है। वो मैं हार्डनेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ अपने टेक्सचर्स में, वैसे उसका कभी टेक्सचर नहीं बनाया, लेकिन वो हम इस बार देखेंगे बना लें, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ, सीमेंट हम आपके सामने डालेंगे, ओके। अच्छा जी, मैं जो है ना अब आसानी शुरू हो गई है, तो मैंने जल्दी से नीचे जाना है इसके अंदर ये डालकर, इसको उठा लेते हैं, सामने ले लूँ मैं जल्दी से। अच्छा जी, मैं ना ये नॉर्मल साइज़ की शेप है, ठीक है, ये मैं इसके अंदर डालूंगी, सारी मैं सैंड निकाल दी है, वो भी मैं लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैं इतनी डालूंगी, मैं ज़्यादा भी नहीं डालती, ज़्यादा सीमेंट डालने से भी और बहुत कम सीमेंट डालने से भी टेक्सचर ये वाला मटका हार्ड हो जाता है, मेरे जितना मैंने जितनी दफ़ा बनाया उस हिसाब से, यानी तजर्बे के हिसाब से, ठीक है ना। मैं इतना डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, प्योर सीमेंट डालना है फ्रेश आप लोगों ने, ठीक है। रीयूज ना हो बाद में, अगर यूज़ हुआ तो वो फिर आप लोगों की अपनी गलती होगी, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करना, हाथ से टाइम ही है, मैं हाथ से कर देती हूँ जल्दी से मिक्स। अजाना शुरू हो गई है और मैं जाना टाइम बोल रही हूँ, माफ़ करें, जल्दी से मिक्स करती हूँ खामोशी से। गाइस, मैंने जो है ना अब इसके अंदर अच्छे से सीमेंट को अच्छे से, जैसे फेंटा नहीं लगाते चाय को, उस तरह से मैंने अच्छे से मिक्स किया, ठीक है। तो अब जो है ना ये सुबह तक इसका जो साफ पानी होता है वो ऊपर आ जाएगा, और जो लिक्विड होगा वो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। लिक्विड यानी जो मट होती है सॉफ्ट मट, वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर पानी आ जाएगा, वो पानी जो होगा वो हम फेंक देंगे, ठीक है। तो फिर एक दिन का और वेट करें, वो जरा जो लिक्विड है वो जरा सेट हो जाए, फिर उसको किसी शीट के ऊपर निकाल दें अगर आप लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर आपको इतनी जल्दी नहीं है तो फिर टब के अंदर रहने देना, ठीक है। लेकिन पानी लाजमी निकालना, क्योंकि ज़्यादा पानी ऐसे अगर हमारा टेक्सचर में रहेगा ना टब के अंदर, तो वो टब भी एक तो गंदा होता है, उसके ऊपर निशान लग जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि मड हार्ड हो सकती है, ठीक है। सो बाकी अब सुबह इंशाल्लाह इसी के आगे मैं जो है ना प्योर सीमेंट की शिफ्टिंग करूँगी, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, उसके अलावा हम करेंगे अपनी रेड डर्ट को शिफ्ट, ठीक है। ये दो काम करके, तो इन दोनों का मिक्स करके हम डाल देंगे अपना व्लॉग, तो फिर उसके बाद हम क्लीनिंग व्लॉग, फिर शेप मेकिंग व्लॉग आएंगे, ठीक है, ओके, बाय बाय। जी भाई साहब, मैं जो है सुबह टाइम, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो ये जो है ना लिक्विड नीचे बैठ गया, मैं हम लोगों ने नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखो ये पानी है, ये देखो ये साफ पानी है, हमने गिरा देना और ये लिक्विड नीचे बैठ गया, ये नहीं, ये हमारी सॉफ्ट मड डर्ट है, ठीक है। अब ये पानी ना सारा मैं बारी बारी गिराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड की है,
फोमी वाटर में मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है हमारी मल्टी स्टोनी ब्राउन टेक्सचर की, ठीक है, ये यहाँ पे फैला दिया मैंने। मैं सोची हूँ कि इसको ना शिफ्ट करके तो इसका जो पाउडर है ना वो दूसरे ब्राउन अपनी सैंड में ऐड कर दूँ, बिकॉज वो सैंड बहुत कम हो गई है। तो अगेन से ना मेरे पास रेड भी पड़ी हुई है, चारकोल भी पाउडर पड़ा हुआ है, तो उनको मिक्स करके सैंड मिक्स करके तो दोबारा से बना लेते हैं। और इसके अंदर से ये जो कंक्रीट है ना ये बड़े अजीब से कंक्रीट है, मल्टी शो भी नहीं होते, हाफ इसमें ही रहने दूँगी ये वाले और हाफ इसमें से निकाल के वो ऐड करूँगी। सो फिर ये मज़ेदार है, टेक्सचर और कवर भी आ गया है। अब मैं क्या करने लगी, अब मैं पुरानी तो है नहीं, ये आधी आ गई थी, आधी अब मैं इसमें डालूँगी, ये वाली भी बनाऊँगी। ये अब मैं आपको नहीं दिखाऊँगी क्योंकि अब आप लोगों ने ये तो देख लिया है ना, ठीक है ना। वो पाउडर बना हुआ, इसको इतना डिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी, लेकिन पहले मैं ये वाला पानी कराऊँ। ये देखो सीमेंट की क्वान्टिटी ना इसमें ठीक है, ये इसके ऊपर ना ये जो ये छिलका टाइप बनकर आ जाता है। ये टब बहुत ज़्यादा ना हैवी है, वरना मैं उठा के ही कर देती, मुझे डर है टूटने लगे कि टब रह गया मेरे पास। अच्छा सा प्यारा सा ही मेरा फेवरेट टब है। इसी तरह से हम इसके अंदर से जो सारा पानी है साफ वो हम वेस्ट कर देंगे, जो भी आप लोगों ने करना हो तो आप लोग यूज़ कर लेना, मैं तो ये गिरा रही हूँ क्योंकि मेरे पास रखने के लिए और बर्तन नहीं है। ये देखो अभी भी कितना ज़्यादा है, आराम आराम से करना है ताकि इसका लिक्विड नीचे वाला ही लेना। बनने बड़ी बात है, अभी इसके अंदर वो भी पानी है लेकिन वो अब लिक्विड थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये मैं बाद में निकाल लूँगी, ठीक है, उतनी देर बाकी हम काम कर लेते हैं, फिर बाकी ये जो शिफ्टिंग है ना वो रह गई है वो आपके सामने करूँगी। सुबह का सूरज भी जो है ना अपने आ गया, सो चलते हैं फिर, बाय भाई साहब। मैं अभी ये डाल रही थी और ये वास सुने, एक बिल्ली यहाँ से गई है, अब फिर इनको पकड़ना पड़ना है, अभी पता नहीं फिर से कहाँ से आ गई हैं। पापा भी नहीं है बाहर, वरना मैं उनको कहती अभी इनको पकड़ लें। अभी एक रहती है उसने जाना, वो बोली जाइए आ रही है और वो यहाँ डर के नहीं आ रही है, वो उसको पकड़ने के लिए आती लेकिन आ नहीं रही। फिर भी घर में ना मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं कैमरे से देना चाहती कौन सी बिल्ली। अब पता नहीं नज़र आया नहीं, मैं देखती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरे लिए इतनी मुश्किल से मैंने अपनी वर्क प्लेस से टेक्सचर्स, अभी तो टेक्सचर्स भी इतने पड़े हैं, क्या मुसीबत है। मैं देखती हूँ फिर पता चलेगा कौन सी है ये। नहीं भाई नज़र नहीं आ रही, अब उसकी आवाज़ तो बंद हो गई है लेकिन पता नहीं अब देखो ये। चलें फिर इसको पकड़ते हैं आज दोबारा से, ताकि ये अब दोबारा कोई काम खराब ना कर सके। इसको पकड़ के तो मुझे तो लगता है जिसको दूर छोड़ के आए थे ना कोई, वही दोबारा से आई क्योंकि उसी जैसी है सेम, अभी ग्रे कलर की गई है, ग्रे एंड वाइट, तो अब उसको दोबारा पकड़ेंगे। यहाँ से गई आई है ये वाली दीवार, मैं तो हैरान हूँ इतनी ऊंची दीवारें ये वाली कहाँ से आ गई। ये देखें ये रही, ये क्या तकलीफ है, चल जा, ये डर भी नहीं रही है। देखो मुझे जो पकड़ के ना दूर छोड़ा ना, एक मुझे ना इन जैसी बिल्लियों से जो स्ट्रेट कैट्स होती है ना वो मुझे उनसे डर लगता है, पता नहीं क्यों अजीब सी आँखें होती हैं। या अल्लाह कोई तो ऊपर आ जाए, मेरे घर में से कोई आएगा भी नहीं जी। ये वाली मैट भी तैयार है, वो इसमें जो हमारी बन गई थी ना कल जो हमने बनाई वो हमने इसके अंदर डाल दी मैंने, ठीक है। तो अभी जो बनाई है वो न्यू है और यहाँ से ग्राउंड चला चेक, एक ये सैंड का बॉक्स भर गया और एक ये भर गया। अब जो है ना मेरा क्या काम है, अब मेरा काम है जी शिफ्टिंग करना, प्योर सीमेंट हमने निकालना है जो थोड़ा बहुत लम्स बन गए हैं, ठीक है, थोड़ा तो यूज़ हो ही गया ये एक हिसाब का, ये कोई हार्ड हुआ पड़ा। तो अब देखते हैं कितना का निकलता है प्योर सीमेंट बनता है यहाँ क्या। काफ़ी लोगों से जो पूछा था उन्होंने कहा कि आप प्योर सीमेंट बनाओ, तो फिर देखो यार कोशिश तो मेरी यही है कि प्योर सीमेंट बना लूँ, लेकिन अगर ना बना तो लेकिन बना लेना क्योंकि फिर मैंने इसको क्या करना है, टेक्सचर में तो ये डलना नहीं, उसके लिए पड़ा हुआ है मड के लिए मैंने रखा हुआ है, ये भी था ये दूसरा टेक्सचर के लिए, ये इसके स्टोन्स है ना ये मैं ऐसे करूँगी उसी अपने ग्रेटी टेक्सचर के अंदर डाल दूँगी, लेकिन जितना भी इसको ऐसे निकाल सकते हैं निकालती हूँ। मास्क लगाया पता नहीं आप लोगों को समझ आई नहीं, इसके साइड रखते हैं अब जरा अच्छे से करते हैं। सुबह के बजे 9 से ऊपर टाइम हो गया और ये व्लॉग कल का स्टार्ट हुआ है, अभी एक काम रह गया वो भी इसी के साथ अटैच करना है, फिर अपलोड होगा व्लॉग, तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगे। अब
अकेले काम करना जो है ना कैमरे के बगैर तो वो आसान होता है, कैमरे के साथ काम करना ज़रा मुश्किल है बिकॉज बार बार आपको शॉर्ट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, और एडिटिंग करना उससे भी बड़ा मुश्किल काम। थोड़ा सा कटे बाकी मैं सीमेंट प्ले, क्या नाम था यार, शाजिया नाम मुझे भूल गया, उन्हीं ने कहा था प्योर सीमेंट प्ले करना था, मेरे पास सीमेंट था लेकिन मैं टेक्सचर नहीं बना रही थी बिकॉज़ बारिशों की वजह से, आप लोगों को पता ही है, लेकिन अब मौसम चेंज हो गया, अब सिर्फ सर्दी है तो सर्दियों में तो सीमेंट वाला टेक्सचर अच्छा ही है। गाइस मैंने जो यहाँ पे पढ़ा था ना सारा का सारा यहाँ शिफ्ट कर लिए, ये देखें ये सारा, इसको थोड़ा सा प्ले भी कर देती हूँ, जिन्होंने मुझसे कहा था ये उनके लिए, ठीक है, नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा, मेंशन कर दूँगी। शाम सुबह को मैं ना ये करके चलेगी थी सारा का सारा, अभी ये दोपहर का टाइम है 4 बजे का, ठीक है यार, ये उड़ता बहुत है, मैं कह रही हूँ पहले यार ये तो उड़ उड़ती ख़त्म हो जाना मेरा, चलो आगे चलते हैं। ये रहा जो शिफ्ट किया है और इसके अंदर से ये कंक्रीट बने, तो मैं सोच रही हूँ कि इस तरह ये बहुत ज़्यादा कम है टेक्सचर, तो इसको क्यों ना क्रश कर लिया जाए, ये भी आप लोगों के सामने कर देते हैं, पहले आधे को साइड लगाते हैं, अजानें भी दूर दूर हो रही हैं, मैं अभी चुप करके करूँगी, ठीक है, बोलूँगी नहीं अभी बिकॉज अजानें हो रही हैं। ठीक है तो बिल्कुल फाइन पाउडर तो नहीं बन रहा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना है एक तो मैंने ये व्लॉग आज ही मैंने जाकर एडिट करना है बिकॉज फिर 2 से 3 दिन अगर इकट्ठा इतना बड़ा हो गया ना तो बस ये क्या। अच्छा जी बकवास ना मैं बंद करती हूँ, तो मैं बताती हूँ कि मैं जो है ना ये काफ़ी बड़े रेट से, ये देखो इस तरह कैसे, तो ये छोटे छोटे हो गए, तो मैं सोचूँ कि प्योर सीमेंट में ऐसे ही ऐड कर दूँ ताकि जो है ना इसका साउंड यार ऐसा कोई ख़तरनाक आएगा। सुनो मैं इसका प्ले करती हूँ, सुनो देखो प्योर भी हो जाएगा और एक अच्छी सी नॉइस भी इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योर का भी फिर पता नहीं चलना, ये तो पता ही नहीं चल रहा कि इसके अंदर ग्रेड्स हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा। सो मैं वैसे भी जब ये बनना है ना ऑलरेडी इसके अंदर ग्रेड्स आ जाएंगे, मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाया था जब चैनल का स्टार्ट था मेरा, तभी मेरे पास प्योर सीमेंट था पुरानी वीडियोज़ में अगर आप लोगों ने देखा हो तो, वो वीडियो भी पड़ी है उसमें, फिर दोबारा जब मैंने बनाया था तो ऐसे लम्स बन गए थे, मैंने उसको क्रश को नहीं किया तो वैसे ही अच्छा लगता था, लेकिन वो वीडियो सिर्फ 1 से 2 दफ़ा ही मैंने टेक्सचर बनाया, उसके बाद मैंने जो मेरा प्योर सैंड वाला टेक्सचर उसके अंदर सारा ऐड कर दिया था, क्योंकि वो पता नहीं सीमेंट अजीब सा हो गया था बिल्कुल सैंड टाइप का, इसलिए तो इसी तरह से जो है ना सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और ये हम छोटे कर लेंगे। एक ये भी मेरे सर पे बड़ा पहाड़ था कि पता नहीं क्या ये ख़राब हो गया क्या क्या नहीं, अब देखो अब इसके अंदर एक होगा क्रंचीनेस भी और प्योर का प्योर भी, ठीक है इसके अंदर इतने लम्स नहीं है। चलें अब हम चलते हैं आगे, हम सब मिलकर चलते हैं। ये रहा ये वाला टेक्सचर है, इसको तो मैंने बनाया है शिफ्ट, अरे हाय अच्छा जी ये रहे हैं शिफ्टर, और यहाँ इसमें मैं डालूंगी सारी शिफ्ट करके, क्योंकि जो कंक्रीट्स वगैरह मुझे चाहिए वो भी मेरे पास है नहीं है, मल्टी कलर के हैं तो मैंने मल्टी कलर की रेड रेड तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है ना। अब यहाँ से जगह साफ़ की है अच्छे से, अब यहाँ पे शिफ्ट करने लगी क्योंकि उसमें आप लोगों को नज़र नहीं आएगी,
चले जी भाई साहब, ये हो चुकी है यहाँ से मैं सारी फिनिश। इतना ज़्यादा कचरा तो इसके अंदर से निकल रहा है कि ये, और एक वो वाला बैग, ओहो कहाँ लेके, वो वाला बैग ठीक है, और इतना ही कम से कम टेक्सचर उसमें से निकला था जो मैंने पहले सेट किया था, अब इसमें से भी इतना ही निकला है। मीन्स कि अगर दोनों को मिक्स किया जाए तो एक टेक्सचर सिर्फ बनता है, जबकि ये दो भरे मैंने मंगवाए थे। क्या फ़ायदा, इतना वजन उठा के भी बेचारा मजदूर लेके आया, लेकिन फिर भी इतना सा बहुत थोड़ी ही निकलती है अंदर से। इसके अंदर ज़्यादा सारे कंक्रीट और कचरा वगैरह ही निकलते। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर डालती हूँ टैरो, आपको नज़र तो आ नहीं रहा। चलो अब जो है ना अलाइन शुरू हो गई हैं, और ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको उठाकर इसको इसकी जगह पर रखाऊंगी, और आई होप कि ये वाला पार्ट आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो यार लाजमी से सब्सक्राइब आप लोगों के चैनल को करना है, ठीक है, और अप्रिशिएट लाजमी करना है कि यार बड़ी मेहनत से ये सारे पार्ट्स जो है ना मैंने रिकॉर्ड किया, अब उतनी ही मेहनत के साथ और दिमाग खर्ची के साथ मैंने एडिट भी करने हैं। तो सबसे पहले जो है थोड़ी सी एंड पे लास्ट पे जाते थे, हम क्रमिंग कर देते हैं, अजाने शुरू हो गई वैसे, मैंने जल्दी जाना नीचे।